अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हलके नामपल्ली में फिरोज गांधीनगर ताज नगर एरिए में फिरोज खान साहब आए थे दौरा करने के लिए। उनको इत्तला मिली थी कि एक हमीद साहब नामी शख्स जो आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल रूबरू रशीद रेसिडेंसी में रहते हैं, उन्होंने रोड टूटने की वजह से गिर के उनको 11 टांके लगे, काफ़ी ज़ईफ हजरात है। तो फिरोज खान ख्वाहिश करे कि उनसे मुलाकात करेंगे और जो रोड का काम हो रहा है बगैर सीवरेज का काम हुए कि वहाँ पे बगैर कॉलोनी के लोगों को इन्फॉर्म करके तोड़ दिए, उससे ये हुआ कि जिसके गाड़ियाँ अंदर थे वैसे ही रह गए। तकलीफ़ हुई, तकलीफ़ होने पर लोग जब निकल के भड़के तो सीधा वहाँ के खुद साख्ता कॉरपोरेटर जो पुलिस को फ़ोन कर दिए, पुलिस वहाँ पे आ गई, फिर मोहल्ले वाले पूरे एक जगह पे हो गए, फिर पुलिस को वापस भेजा। नेक्स्ट डे फिरोज खान आकर वहाँ पे दौरा करे, वहाँ पे आकर उनसे मिले, मिलके उनकी अयादत करे और लोग जो उनको कंप्लेंट्स दिए उसको देखे। वहाँ पे ये कंप्लेंट्स थे कि भाई सीवरेज का काम नहीं हुआ, पूरे उबल रहे हैं मोरियाँ और ये काम नहीं हुआ, अगर रोड जल जाएंगी तो ठीक नहीं रहेगा। तो ये मसला सुने, वहाँ से फिर जुबैदा मस्जिद है जहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 साल से काम नहीं हुआ। मैं आपको बोल रहा हूँ जुबैदा मस्जिद में खुद सेलार में पूरा गंदा पानी भर जाता, 2.5 साल से काम नहीं हुआ। और अभी मैं माजिद हुसैन साहब की वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बोल रहे थे कि हमारा रोड 20 लाख रुपए से आप दला रहे हैं तो हम दला रहे हैं, हम वैसे कामा नहीं करते, आप दला रहे हम दला रहे नहीं, हुकूमत दला रही, आप नुमाइंदे हैं, ये रोड दली तो आवाम को ही फायदा होने वाला है। आप बोल रहे हैं कि रउडियों के साथ आपके अतराफ और अकनाफ में जो फिर रही पूरों का पुलिस रिकॉर्ड है और पूरे रउडी शीटर्स है। फिर आप पहले मेयर भी रह चुके हैं, आप कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, आप दूसरी बार भी कॉरपोरेटर रह चुके हैं, आपका रवैया देखिए। मैं फिरोज खान जब आ रहे हैं तो आप ऑफेंसिव मूड में उतर के आ रहे हैं एकदम, किसके सामने आ रहे हैं भाई? आप आए, आपका आने का अंदाज कैसा था, किस अंदाज से आ रहे हैं आप, अटैक करने के अंदाज से आ रहे हैं, हुआ क्या, आवाम देखी, तो आपके दिमाग में अभी क्या है अल्लाह बेहतर जानता। एक आप एमएलए है और आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो हमारा भी हक बनता, हमारे को भी दस्तूर ये बोलता कि हम हर वो जगह जाके बराबर देखेंगे, हर वो जगह जाके हम कहाँ काम हो रहा नहीं हो रहा देखेंगे, तो हम वही देखने के लिए आए थे और आप इस काम को ये हरकत में बदल दिए। और पुलिस के लाठियां लेकर जो फिरोज खान का कैडर है आप उस पर अटैक करवाए, आप खुद आग बबूला हो जा रहे थे। मेरे को आप ये बोलिए आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी या आप डिस्टर्ब थे, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, आप जिप 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 आके आप अटैक कर रहे, अरे आप बात करना था, आप बोलना था, आप एक इल्जाम लगाए कि फिरोज खान का कैडर जहां घरा बन रहा चल जा रहा। आप जिस मुकाम पे आए वहां पे 7-7 मंजिल की बिल्डिंग है, उसी मोहल्ले में मैं रहता हूं, हमारा पूरा कैडर आज नहीं 20 साल से कोई हम नल के पैसे नहीं, कोई मोरी के कनेक्शन के पैसे नहीं, किसी का स्लैब डला तो पैसे नहीं, ये तमाम चीज हम नहीं करते, ना कोई स्कूल की जमीन खाते, ना कोई स्कूल के बच्चों को बाहर निकालते, हाँ हम रियल स्टेट का कारोबार करते और मजलूम की अगर कोई जमीन खा गया तो उसकन से खींच के मजलूम को देके हम 4 पैसे कमाते, ये चोर धंधे हम नहीं करते, ये आवाम को मालूम है, दुनिया को मालूम है। 20 साल के रिकॉर्ड में आप फिरोज खान की छवि को अगर खराब करना चाह रहे हैं, 20 साल के रिकॉर्ड में आप निकाल के देख लो कहीं फिरोज खान या उसकी टीम या कोई कांग्रेस का हमारा आदमी 1 रुपया किसी का खाया, बात वो बोलो जो हजम होंगी। हाँ अब हल्के नामपली में जो जो काम होगा बराबर राइट टू इंफॉर्मेशन में डालेंगे, क्या वर्क ऑर्डर मिला, कितने इंच की रोड, ड्रेनेज का कैसा है, सीवरेज का कैसा है, स्ट्रीट लाइट कैसी है, हर वो चीज पे करके आपकी मदद करेंगे नामपल्ली को डेवलप होने में। 100 रुपए सैंक्शन हुए तो 100 रुपए लगेंगे, ये नहीं 42 करोड़ लग गए बोल के 4-4 साल खाली वही तख्तियां जाते रहेंगे। तख्ती पे भी अगर आप नाम रहेगा एज पर प्रोटोकॉल रहेगा, आप अपनी दादागिरी मत चलाइए, दादागिरी आपको आती भी नहीं और आपको जजरी भी नहीं। आप और एक चीज बोले वीडियो में पाउडर लगा लेके, रे भाई पाउडर लगाता वो खूबसूरती है, सेंट लगाता मर्द को इजाजत है बेहतरीन सेंट लगा सकता, पाउडर खाता नहीं, पाउडर खा के निकलता नहीं, तो ये बात मत करिए। आप एक एमएलए है, आप एक मेयर कैंडिडेट थे, आप संजीदगी की बात करिए, क्या फायदा, आप पूरे एक मोब में आए, आपके कॉमेंट्स देखिए, आवाम आपको क्या कॉमेंट्स मार रही देखिए, आप एक झूठा यहाँ पे आए थे यहाँ पे वसूल करे थे, आपकी आवाज से बड़ी हमारी आवाज है। तो लिहाजा मैं बिल्कुल रेवंत रेड्डी साहब को भी यही बोलूंगा कि इस पे एक्शन लीजिए आप। यहाँ पे एक लेडी पे अटैक हुआ, एक कंटेस्टेड एमएलए 4 बार
कंटेस्ट करा, एक बार एमपी कंटेस्ट करा, फिर जनरल सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये आपके मई स्टेट सेक्रेटरी, ये तमाम लोगों के ऊपर अगर अटैक हो रहा तो इन पे बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और एक बात ये बोलूंगा कि अवाम पुरसुकून रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए लड़ने के लिए, बराबर लड़ेंगे, अवाम के दरमियान में है, अवाम के दरमियान में रहेंगे, ऐसे एक चार साल पांच साल के जो आने वाले जाने वाले बहुत रहते। और एक एक चीज चुप चुप के कॉर्पोरेट रहा सुन लो, ज्यादा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा कोई हक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा कोई नहीं है, मैं मरद नहीं, मेरा भाई मरद, मेरी जोरू मरद, नहीं चलता। जो कॉर्पोरेटर है बराबर वही कॉर्पोरेटर आना, जो हमारी खवातीन बहन कॉर्पोरेटर है वो आना, अवाम जिसको वोट डाली वो आना। बड़ा असदुद्दीन ओवैसी साहब दस्तूर 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 बोलते, दस्तूर की खिलाफ वर्जी आप खुद कर रहे, आप क्या बोले बॉम्बे में, क्या बोले आप, मैं हारू या जीतू मैं आऊंगा यहाँ पे बराबर आवाम की नुमाइंदगी करूंगा। ये तो दो बार नहीं तीन बार जीता हुआ कैंडिडेट है, आवाम के दिलों में 60,000 वोट, बाइज्जत 60,000 वोट, जायज वोट, दुआओं के वोट, मेहनतों के वोट, उम्मीदों के वोट लेने वाले का नाम फिरोज खान है। आज हम पूरे तेलंगाना की लड़ाई लड़ते, चाहे वो मसाजिद की रहो, मनादिर की रहो, कोई भी चीज की रहो, गलियों की लीडरशिप हम नहीं करते। आज तक हम कोई गलियों की लीडरशिप नहीं करे, ना गलियों में किसी को जाके दम करते। और मैं सैयद नगर की भी आवाम से बोल रहा हूँ, आपको वलगराया जा रहा है, फिरोज खान पूरी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करते, ये इसको बुला दिए उसको बुला दिए, रिप्रेजेंटेशन आते हो सुबह फजर की नमाज के बाद पान खा के आपके लोग निकलते हैं, कहा किसके घर पे सीमेंट जारी, किसके घर पे रेती जारी, किसके घर के मोरी गुदरी, ये तमाम चीजें आप करते, इसमें हम आपको आप डिस्टर्ब मत करो, वरना इतना पीछा लगेंगे आपका, आपको रुपया भी नहीं मिलेगा कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास से। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।